So, welcome dear students. Uh, in the previous class, we have derived with you the thick lens formula or refraction formula at a spherical surface. And we also taught you how to remember this formula. And we said the style is dash by V minus dash by U is equal to dash by R. Then, what you should do is we should think of V, V is the image distance. इमेज बनाने में द रिफ्रैक्टेड रे ए डी इज़ प्लेइंग अ रोल एंड द ए डी रे लाइज इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन सो आई शुड राइट म्यू वन बाय वी एंड ऑब्जेक्ट इज इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मी म्यू टू सो बिकॉज यू इज़ हेयर दे फॉर आई विल से म्यू टू यू पहले जो आया कौन था म्यू वन बाद में कौन आया म्यू टू तो ये जो आर है इसके न्यूमरेटर में हम लिखते हैं म्यू वन माइनस म्यू टू राइट दैट इज हाउ वी रिमेंबर दिस फार्मूला दैट्स हाउ वी रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फार्मूला नाउ दिस सच फार्मूलाज कैन बी क्रिएटेड फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन द सेकेंड थिंग दैट वी लर्न विद यू दिस वॉज ओनली वैन बेंडिंग वॉज हैपनिंग एट वन ऑफ द फेसिस यू हैव अ लेंस देन द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट टू पॉइंट्स First refraction takes place at A and second bending takes place at B. Because of the first refraction, AB is the refracted ray. For second refraction, AB is the incident ray for the second refraction. So, we said the whole optical phenomenon is two refractions at the first surface.

तो अगर ये जो ए बी है सो समब इज़ ट्राइंग टू कम लेट मी इंक्लूड दैम इन प्रदीप सिंह बाली राइट सो बी सेड, ये इमेज जो है ए बाय बी कहाँ मिलती अगर ये मीडियम ख़त्म नहीं होता ये रॉड चलती रहती अगर रॉड ख़त्म ही नहीं होती बी आता ही नहीं तो ये आई वन पर जाके मिलती आई वन पे इमेज बनता ड्यू टू दिस ओनली दिस रिफ्रैक्टिंग सर्फेस ये वाला एक ही रिफ्रैक्शन होती तो v1 वन डिस्टेंस पे बनता दैट वुड हैव बीन द इमेज डिस्टेंस नाउ वी फाइंड दैट तो वी कैन राइट v की जगह हम लिखेंगे v1 वन माइनस डैश बाई यू इजल टू डैश बाई आर अब आप देखो v1 कौन से मीडियम में है आप बोलेंगे सर ये थ्री में थ्री में नहीं रिफ्रैक्शन हुई है a पर तो ये रिफ्रैक्टेड रे है ए बी ए बी कौन से मीडियम में है टू में है है ना ए बी टू में है राइट म्यू टू बाई वी वन माइनस म्यू वन ये वाला इस मीडियम में म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन फिर हमने आपको एक बार क्विक रिवाइज करा रहा हूँ हमने पढ़ा है ऑलरेडी इसको लास्ट क्लास के लास्ट टॉपिक में फिर भी एक बार रिवाइज करा रहा हूँ नाउ लेटस लुक एट रिफ्रैक्शन एट दिस सर्फिस नाउ बी पॉइंट के ऊपर ये जो गोलाई है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा इधर सेकेंड सर्फ आई आई राइट माइनस आर टू वाई माइनस आर टू बिकॉज इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड साइन कन्वेंशन लेफ्ट को नेगेटिव राइट को पॉजिटिव सो अब देखो ए बी इज द इंसिडेंट रे एंड द द द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई वन विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी यू वन वी वन एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट एक बार और बेंडिंग होती है आई वे बनती है दैट इज एट द फाइनल डिस्टेंस इज वी सो आई विल से वी किस में है म्यू थ्री में है तो म्यू थ्री बाय वी माइनस म्यू टू ये वाला मीडियम तो इंसिडेंट रे हमारी अब की बार वो म्यू टू में है ए बी मेरी इंसिडेंट रे है और ये बी आई मेरी रिफ्रैक्टेड रे है सो so, म्यू टू बाय वी वन इज इक्वल टू तो, पहले आया म्यू थ्री बाद में आया म्यू टू इसलिए म्यू थ्री माइनस म्यू टू अपॉन माइनस वन बाय आर टू नौ ऐसा तो होता नहीं है कि लेंस के अंदर एक ही बार रिफ्रैक्शन होती है होती तो दोनों बार है तो वट इज़ द कम्बाइंड फॉर्मूला आई लैव टू एड दीज टू ऑप्टिकल फिनोमिनस पहला रिफ्रैक्शन एट ए सेकेंड रिफ्रैक्शन एट बी इफ आई एड दैम आई फाइंड म्यू टू बाई वी वन एंड माइनस म्यू टू बाई वी वन गेट्स कैंसल्ड सो आई एम लेफ्ट विद म्यू थ्री बाय वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू आर वन पहले सर्फिस के लिए प्लस आर वन है किस किस के बीच में है म्यू टू माइनस म्यू वन म्यू टू माइनस म्यू वन फिर लाइट जाती है कहाँ पे थ्री में कहाँ से जाती है म्यू टू से तो इसके आएगा म्यू थ्री माइनस म्यू टू अपॉन माइनस आर टू अगर हम ये तोड़ तोड़ के ना लिखना चाहें हम एक कंबाइंड फार्मूला एक ही बार में लिखना चाहें तो मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे करते हैं एक बार में ही करना हो अगर तो फाइनल इमेज बन रही है वी इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू ओके राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन इसका म्यू टू इसका म्यू थ्री तो हम लिखेंगे डैश बाय वी माइनस डैश बाय यू इज इक्वल टू अब क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन हो रही है ना दो बार बेंडिंग हो रिफ्रैक्शन हो रही है सो डैश बाय आर वन प्लस डैश बाय आर टू अब आप देखेंगे पहली बात आर वन ये आर वन ये पहली रिफ्रैक्शन है ये उधर है इसलिए प्लस आर वन सेकेंड बेंडिंग जो है वो यहाँ होती है वो ऐसा गोल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सॉरी द रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा इसलिए वो माइनस होगा इसलिए माइनस आर टू वेरी गुड अब देखो ऊपर न्यूमरेटर कैसे याद रखोगे वी किस में है वी तो म्यू थ्री में है तो म्यू थ्री बाय वी यू किस में है u तो म्यू वन में है तो म्यू वन बाय यू बहुत बढ़िया अब देखो आर वन रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन कौन से मीडियम को सेपरेट करता है आर वन ये आर वन हमारा किस किस को सेपरेट करता है ये म्यू टू और म्यू वन को तो हम लिखेंगे बाद वाला माइनस पहले वाला बाद वाला माइनस पहले वाला तो म्यू टू माइनस म्यू वन म्यू टू माइनस म्यू वन प्लस अब देखो सेकेंड वाला सरफेस किस किस को सेपरेट करता है म्यू थ्री को और म्यू टू को बाद वाला कौन है बाद में पहले इंसिडेंट रे इधर होती है रिफ्रैक्टेड रे इधर होती है सो so, बाद वाला इज़ म्यू थ्री और पहले वाला इज़ म्यू टू सो so, म्यू थ्री माइनस म्यू टू अपॉन माइनस आर टू समझ आया कंबाइंड फार्मूला बिकॉज हमको जब भी यूज़ करना होगा तो हमको कंबाइंड फार्मूला यूज़ करना होगा एंट्रेंस एग्जाम्स में बोर्ड में आई डोंट थिंक सो आएगा तो पता नहीं नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आना चाहिए बट आई डोंट नो इस साल थोड़ा सा यूनिक साल है फिर भी आप जानते हैं मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी करता हूँ आई ऑलवेज टीच यू एवरीथिंग बच्चे कितना पढ़ते हैं वो उनकी चॉइस है एज अ टीचर आई डू एवरी थिंग विद यू माई कॉन्शियंस इज़ वेरी क्लीन एंड क्लियर मैंने आपके साथ अच्छा किया है हमेशा आपका अच्छा हुआ या नहीं हुआ वो आपकी मेहनत भी तो है मैंने हमेशा सब कुछ दिया है तो so, मैं इतना ही कर सकता हूँ एज अ टीचर दैट आई कैन गिव यू एवरी थिंग हाउ मच यू एब्ज़ॉर्ब एबजॉपन इज डिफरेंट है ना अब मान लो हमारे पास टेबल पे कुछ दूध गिर गया राइट ना हो अगर हम एक स्पॉन्ज लेके आएंगे, उस दूध पे रखेंगे वो खूब दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा उसके ऊपर हम एक स्टील का पतीला रख लेंगे तो वो एबज़ॉर्ब नहीं करेगा ना तो स्टील का पतीला और एक स्पॉन्ज दोनों को सेम दूध मिला लेकिन एक ने एब्जॉर्ब किया एक ने नहीं किया एब्जॉपन कोपेश्स आप हर एक आदमी का अपना अपना होता है वो उसके इंटरेस्ट पे डेवलप डिपेंड करता है उसकी सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है उसके उसको कितना उसको नीड है मेहनत करने की है ना नीड है क्या कई बार हमारे पेरेंट्स हमको सब कुछ दे देते हैं हम बोलते हैं नीड क्या यार सब कुछ तो मिल रहा है तो जिनको नीड फील होती है ना पढ़ाई में उनमें मोटिवेशन ज़्यादा होती है तो जिसके पेरेंट्स सब कुछ दे रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए थैंक यू गॉड दैट यू हैव प्रोवाइडेड मी विद फैसिलिटीज, बट इवेंचुअली आई वांट टू अर्न माय सेल्फ बिकम रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड डू बेटर देन माय पेरेंट्स एंड इवन बी सो दैट माय पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी राइट दोज हु हैव लेस अपॉर्चुनिटीज शुड स्टिल थैंक गॉड दैट he is giving you same opportunities as a, a person who is rich. opportunities for upkomi same will same. but there is a bigger motivation that you want to change your state of finance, state of uh, security by working hard and becoming a useful member of society. so you should all thank god for everything that you get. Uh, लेकिन मेहनत को बदल सकता है सो आई विश यू ऑल द बेस्ट नाउ हियर लेट मी अप्लाई इट हियर डायरेक्टली वन मोर एप्लीकेशन आई है नाओ एम टेकिंग अ कॉन्केव लेंस इसका इधर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है इधर वाला आर टू है मैंने पहले ही लिख दिया इधर का गोल है तो ये इस तरफ इसका होगा माइनस लिख दिया इसको माइनस आर वन ये इधर का विल बी प्लस आर टू यहीं पे लिख देना चाहिए कर्वेचर पे लिख देना चाहिए याद रहता है कि मैंने ले लिया माइनस आर वन और प्लसिटी तो यू क्या हो जाएगा इनफेनाइट बहुत दूर से रेज आ रही है वी नो दैट अ कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस वॉट इट डज इज इट डायवर्ज इज द रेज इट अपियर्स टू बी कमिंग फ्रॉम सम फोकस यहाँ पे कुछ इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा ओके नाउ लेट अस सी सो वी विल राइट डैश बाय वी माइनस डैश बाय यू इज इक्वल टू डैश बाय माइनस आर वन प्लस डैश बाय प्लस आर टू अब सोच रहे हैं ऊपर क्या आएगा यू लिखा हमने पहले यू तो हमारा है दैट्स गुड इनफ एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज जीरो इसका कोई रोल ही नहीं है इस पार्ट का राइट right? डिवाइड हो गया इन्फिनिटी से तो कोई पार्ट का रोल ही नहीं रहेगा बट स्टिल हमको लिखना तो है ही है वी 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 वाली रे किसने बनाई है ग्रीन वाली को पीछे खींच के लाया ना वी तो ये कहाँ पे है कौन से मीडियम में है म्यू थ्री चल राइट म्यू थ्री बाय वी माइनस ये कौन से मीडियम में है यू ऑब्जेक्ट म्यू वन सो म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू फर्स्ट सरफेस किस किस को अलग करता है म्यू टू को और म्यू वन को बाद में कौन आता है लाइट इधर से आती है लेफ्ट से राइट सो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन माइनस आर वन प्लस म्यू थ्री माइनस म्यू टू अपॉन प्लस आर टू राइट सही है आई यू हैप्पी विद दिस फॉर्मूला डायरेक्टली रिटर्न वी आर नॉट अब की बार हमने ये नहीं किया दोनों को अलग अलग करके फिर नहीं हमने डायरेक्ट सिखाया आपको एक ही बार में एंट्रेंस में इतना टाइम नहीं होता है हमको प्रैक्टिस करके अच्छा सा बनना है इसके अंदर ना तो एवरी स्टूडेंट हैज़ टू थिंक यू ना ये जो कॉन्सेप्ट मेरे को सर ने सिखाया एम आई कम्फर्टेबल विद डैट क्या मैं खुद कर सकता हूँ अगर आंसर आता है येस वेरी गुड दैट यू हैव लर्नड राइट दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क कैन आई डू इट माई सेल्फ वेरी गुड आई कॉन्ट डू इट मुझे पता नहीं चला क्या किया तो आस्क डोंट सेट आइडल कि जैसे चुपचाप बैठे रहेंगे क्लास इज़ अ वेरी ऑनलाइन क्लास इज़ अ व वेरी डिफरेंट थिंग्स यू नो इन अ क्लास स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टीचर्स इज ए कीप क्वाइट पे टेंशन इन अ ऑनलाइन क्लास वी से अनम्यूट योर माइक प्लीज स्पीक से येस नो आज क्वेश्चन तो यहाँ पर हम बोलने के लिए मजबूर करते हैं और रियल क्लास में हम चुप रहने के लिए बोलते हैं आपको तो वे डबना है ना तो एनी वेज ये फार्मूला आइए मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं ये क्वेश्चन जो है जेई एडवांस का क्वेश्चन है आ, 2014 का तो ये बोलता है क्या हमारे पास एक कर्व्ड लेंस है उसके दोनों के जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं वो प्लस आर और प्लस आर है पैरेलल है दिस मस्ट बी लाइक अ Uh, your सन ग्लासेस अन नम्बर्ड है अगर दोनों का ऑफ कर अलग अलग हो तो फिर वो लेंस बन जाता है ये सिर्फ एक ग्लास स्लैब बन गई कर्व्ड ग्लास स्लैब राइट तो प्लस आर है प्लस आर है सो एन ऑब्जेक्ट दूर के चीज़ को देख रहे हैं ये मीडियम से म्यू वन है एयर है और यहाँ पे एक ग्लास है और अंदर इस तरफ पानी है तो इसलिए बड़ा अलग से बिहेवियर होने वाला है इसका जो सेकेंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के थोड़ा सा कम है वन है पानी है पानी का रिफ्रैक्टिव ये क्या लिखा है मैंने hmm, थोड़ा सा गलती हो गई है सो so हियर ये कोई लिक्विड है नॉट वाटर दिस इज़ ऑयल दिस मस्ट बी ऑयल नॉट वाटर वाटर का तो फोर बाई थ्री होता है लेकिन जो ऑयल होता है ये वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है तो दिस इज ऑयल हेयर या सो म्यू थ्री इज़ एन ऑयल म्यू टू इज अनदर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है सो वी वॉन्ट टू नो फाइंड द फोकल लेंथ एफ वन ऑन द राइट साइड एंड फोकल लेंथ एफ टू ऑन द लेफ्ट साइड एक करा देता हूं मैं आपको दूसरी आप खुद कर पाएंगे तो आइए हम लिखते हैं इसका सो so, इस तरफ वैन पैरल रेज कम एन दे कन्वर्ज एंड फॉर्म इमेज एट द फोकस यही पढ़ा हुआ हमने रेज ऑफ लाइट दैट कम पैरल टू द प्रिंसिट द फोकस ये पैरल आ रही है ये फोकस एफ वन पे कन्वर्ज करेगी तो मेरा V हो जाएगा F1 किस मीडियम में है F1 ऑयल में है 1.5 पॉइंट फाइव अपॉन एफ वन माइनस म्यूनॉर्ड ये तो एयर है इसको मैं म्यूनाड ही बोल देता हूँ म्यूनाड मीन्स एयर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन होता है म्यूनॉड बाई इन्फिनिटी चलो कोई बात नहीं फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो एनी थिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो अब ये देखो डैश बाय आर वन प्लस डैश बाय आर टू तो, दोनों का आर आर है डैश बाय प्लस आर प्लस डैश बाय आर ये किसको सेपरेट करता है फर्स्ट वाला 1.5 को और 1 को तो आएगा उसके ऊपर 1.4 पॉइंट फोर माइनस वन प्लस सेकेंड वाला किसको सेपरेट करता है 1.5 पॉइंट फाइव एंड वन को सो वन पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट फोर बाई आर सो ये क्या आएगा राइट 1.5 पॉइंट फाइव बाई एफ वन विल बी इक्वल टू 1.4 पॉइंट फोर माइनस वन विल बी ज़ीरो पॉइंट फोर बाय आर एंड दिस विल बी जीरो पॉइंट वन बाई आर वन बाई आर कॉमन ले लूँ तो आएगा जीरो पॉइंट फाइव आर सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ पॉइंट फाइव को तो वन पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव आर सो एफ वन विल भी इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ आर बहुत बढ़िया बात क्या बढ़िया है इसके अंदर सर बताता हूँ क्या बढ़िया है देखो बचपन में टेंथ क्लास में हमने पढ़ा था दैट फोकल लेंथ जो होती है इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना टेंथ क्लास में यही करते थे फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर अब देखो इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आर इसका भी आर लेकिन फोकल लेंथ कितनी आई फर्स्ट फोकल लेंथ थ्री आर तो हम आप देख रहे हैं यही सच है लेंजेज में एफ़ और आर का रिश्ता वो नहीं होता है एफ इज़ हाफ ऑफ आर इज रॉन्ग यू बी वेरी केयरफुल लुक एट ऑल दीज थिंग्स राइट एक आंसर वो दे ही देते हैं आर बाय टू तो गलेबल स्टूडेंट्स के लिए जो फंस जाए उनके चक्कर में ठीक है ये बात समझ आई सबको मैंने क्या किया फ़ोटो लिया आपने इसका इसको मैं सेव भी कर रहा हूँ तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूँगा नॉट एन इशू विद मी हियर लेट मी नाउ टीच यू हाउ टू कैलकुलेट एफ टू द सेकेंड फोकस दैट मीन्स अगर लाइट इधर से आती इस साइड से आती और इधर को जाती राइट तो क्या होता यू होता इन्फिनिडी पे शिवा तो ये अब वन पॉइंट फाइव में है वन पॉइंट फोर में जाएगी फिर वन में जाएगी सो हम बोलेंगे v कहाँ f2 ये है ये v हो जाएगा सो वन बाई एफ़ टू माइनस आ कहाँ से रही है इन्फिनिटी से आ रही है तो ये मीडियम है 1.5 पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट इन्फिनिटी कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज ये तो जीरो ही होने वाला है इज इक्वल टू अब आप देखो ये आर वन जो है वो माइनस होगा और ये वाला आर वी माइनस होगा ना ऑल डिस्टेंस इज ऑन दिस साइड आर नेगेटिव इधर से अब ये बात ध्यान रखने वाली है जिस लाइट डायरेक्शन से लाइट आती है ना उस साइड को हम नेगेटिव लेते हैं राइट तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये अब माइनस आर और माइनस आर पहले क्या थे ये प्लस आर और प्लस आर अब हो गए ये माइनस आर और माइनस आर तो बाद वाला मीडियम कौन सा लाइट यहाँ से आई ना बाद वाला कौन है वन पॉइंट फोर माइनस वन पॉइंट फाइव और इस ये वाला सरफेस किसको सेपरेट करता है वन माइनस वन पॉइंट फोर सो 1 by F2 will be equal to. This will be minus 0.1 by R and this will be minus 0.4 upon minus R minus minus gets cancelled. 1 by R common. 0.5 by R. So 1 by F2 or F2 will be equal to R by 0.5 that is 2R. Right? तो देखो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है क्या इंटरेस्टिंग है इसमें that sir ये बच्चों दैट जो फोकल लेंथ है दोनों तरफ की सेम नहीं है फोकल लेंथ इज नॉट सिमेट्रिक, बिकॉज मीडियम्स आर नॉट सिमेट्रिक। टेंथ क्लास में हम दोनों तरफ सेम लेते थे क्यों बिकॉज शीशा होता था उसके लेफ्ट में भी एयर होती थी उसके राइट right में भी एयर होती थी रेज ऑफ लाइट एयर से लेंस में जाती थी लेंस से वापस एयर में जाती थी लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है

हम्म हो गया सबका फिर से बताने की जरूरत है क्या मार्क्स प्लीज बच्चों बोलिए 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 हमको पता चल जाएगा आप भी प्रेजेंट हो जी जो जो, हाँ क्यों अलग म्यू अलग क्यों लिए हैं देखो इस पिक्चर को देखो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा बढ़ा करके देखो पहले केस में लाइट जाती है एयर से फिर जाती है मटेरियल में और उसके बाद जाती है ऑयल में लेकिन जब उल्टी डायरेक्शन से लाइट आती है एक फोकस राइट में होता है एक फोकस लेफ्ट लेंस के दो फोकस होते हैं ना एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता है सेकेंड केस में लाइट जो है वो ऑयल से ये ऑयल है मैंने शेड नहीं किया था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है अब की बार लाइट पहले ऑयल में जाती है फिर शीशे में जाती है और फिर एयर में आती है इसलिए ये तो होंगे ही चेंज पहला पहला कौन है पहला ये है मटेरियल बाद में बाद तो मतलब जो फर्स्ट सरफेस है वो किस किस को अलग करता है 1.4 को और 1.5 को सेकंड सरफेस कौन किस किस को अलग करता है वो 1 को और 1.4 को इसलिए बाद वाला वन पॉइंट इसके लिए देखो वन पॉइंट फोर माइनस पहले वाला बाद वाला माइनस पहले वाला इसमें भी बाद वाला वन माइनस पहले वाला सही है हुआ yes, hmm. तो ये दीज आर नॉट ईजी थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट एज वेल बट आर नॉट ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई भी अपने आप ही कर लेगा बोलेगा नहीं दो यू नीड अ गाइडेंस टू डू सच थिंग्स बिकॉज खुद पढ़ोगे किताब वताब से कुछ समझ नहीं आएगा राइट यू नीड अ गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु की जरूरत पड़ती है कई बार और राइट सो आइए एक नूमेरिकल uh, करवाने चाह रहा हूँ मैं आपको नहीं न्यूमेरिकल क्या बोलता अब देखो अब हमारी जीवन में थिन लेंजेस की ज़रूरत नहीं है हमको थिक लेंस फॉर्मूला भी आ गया है आपने देखा होगा एक पूरा शीशे का बॉल हाँ एक स्फीयर शीशे का ग्लोब ऑफ ग्लास सॉलिड ग्लास जैसे पेपर वेट्स होते हैं है ना ऐसे सॉलिड होते हैं पूरे ऐसा मान लो हमारे पास एक शीशे का बॉल है सॉलिड शीशे का बॉल ओके हम क्या करते हैं इस शीशे के बॉल के ऊपर यहाँ पर एक स्टिकर लगाए थे यहाँ पे मान लो कोई किसी हीरोइन का स्टिक् लगाए थे इधर से है ना स्टार लगा देते हैं स्टार स्टार लगा दिया हमने और हम फिर अपनी आंख को दूसरी तरफ ले आते हैं यहाँ से हम बॉल के अंदर इस स्टिकर को देखते हैं तो बॉल के अंदर इस स्टिकर को देखते हैं तो स्टिकर की जो लाइट है बच्चों कैसी होगी जो लाइट स्टिकर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो ये इंसिडेंट रहे रेड वाली होगी

देंगल आर विल बी ग्रेटर दैन एंगल आई राइट नाउ दिस रे द ब्लू रे अगर इसको मैं पीछे एक्सटेंड कर दूँ डॉटेड 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 तो इट विल गो एंड इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सेस दिस ब्लैक डॉटेड लाइन इट विल इंटरसेक्ट हेयर दिस इज द पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉर्मड आई इज द इमेज पोजिशन पीछे बन रही है लेंस के पीछे बनती है तो उसको ऐसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है ये पोल पी है ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल डायमीटर ऑफ दिस बॉल इज गिवन टू अस एज 10 सेंटीमीटर मोटा बॉल है ये 0.1 मीटर 10 सेंटीमीटर बड़ा बॉल है ये जब क्वेश्चन आता है हमको एग्जाम में तो हमको ये सब रे डायग्राम नहीं बनाया होता उन्होंने हमको क्वेश्चन लिखा होता है एग्जाम मतलब वापिस बोलता हूँ बोर्ड में नहीं आएगा हमारा बोर्ड में इतने तरह के क्वेश्चन डालने का दम नहीं है अ मार्क इज मेड ऑन वन साइड ऑफ अ स्फीयर एंड इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द अदर साइड वेयर इज़ द इमेज फॉर्म क्वेश्चन तो इतना ही होता है और उसके अंदर आपको गिवन क्या है द डायमीटर ऑफ द बॉल इज टेन सेंटीमीटर्स ये गिवन होता है ग्लास का बॉल है तो हमको पता ही होता है म्यू टू थ्री बाय टू होगा एयर है तो म्यू वन होगा हमको ये डायग्राम खुद बनाना पड़ता है तो ये डायग्राम हमने खुद बनाया हमने बॉल बनाया प्रिंसिपल एक्सेस बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया इसका नाम पोल रखा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये ऑब्जेक्ट है मार्क मार्क मतलब स्टिकर स्टिकर की लाइट गई ऐसे इधर से बाहर को बेंड हुई और ये लगता है इमेज यहाँ से बन रहा है लेकिन अभी तो हमने सिर्फ रे डायग्राम बनाया हमको तो चाहिए ना कहाँ बन रहा है वेर इज द इमेज फॉर्म मतलब उनको ये तो क्वालिटी की मैंने उनको तो क्वांटिटी चाहिए नंबर बताओ कहां बनेगा राइट right? पहले तो रेडाइग्राम समझ आना चाहिए आपको जिसको रेडाइग्राम समझ आता है उसके लिए न्यूमेरिकल तो बहुत आसान हो जाता है फिर समझ आ गया सब लोग को इतनी सी बात श्याल आई मूव अ ओके यस यस कौन बोलने वाला है कौन 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 बोलने वाला है पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या गांव वालों ओके सो हियर व्हाट इज यू ऑल दीज डिस्टेंसेस विल बी नेगेटिव यू इज माइनस पॉइंट वन मीटर म्यू टू इज थ्री बाय टू इसका नाम है म्यू वन दैट इज वन वी ढूंढना है रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको डायमीटर मालूम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हाफ हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट वन बाई टू होगा राइट नाउ वील से डैश बाय वी माइनस डैश बाय यू इज इक्वल टू डैश बाय आर अब पहले देखो यू वन कहाँ पे है यू वन यू किस में है वो तो डेंसर मीडियम में है ना ऑब्जेक्ट तो डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट इज इन द डेंसर मीडियम इंसिडेंट रे इज इन द डेंसर मीडियम वो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है सो सेकेंड हाँ तो यू तो वो तो ऑब्जेक्ट है इमेज रे कहाँ पे है ये ब्लू वाली रे इज द इमेज रे रिफ्रैक्टेड रे ये कौन से मीडियम में है म्यू वन सो विल से म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू इज इक्वल टू पहले कौन आया म्यू वन बाद में म्यू टू सो म्यू वन माइनस म्यू टू आर द वैल्यूज यू क्या है मेरा अगर मेरा पोल है ये वाला ऑल डिस्टेंसिस ऑन लेफ्ट साइड आर निगेटिव तो यू मेरा नेगेटिव है और वो कितना है पॉइंट वन है ना सो माइनस जीरो पॉइंट वन वन बाय वी जो अन नोन होते हैं उसको हम साइन नहीं लेते हैं ऑटोमेटिकली उनका साइन खुद आ जाता है ये माइनस माइनस कैंसिल थ्री बाई टू टेन ऊपर थर्टी बाय टू वन माइनस थ्री बाय टू दैट वी माइनस हाफ और नीचे भी है हमारा माइनस पॉइंट वन बाय टू तो माइनस माइनस कैंसिल प्लस हो जाएगा ये टू टू भी भाग गया वन अपन पॉइंट वन विल बी टेन फिफ थर्टी बाई टू विलिफ्टीन सो वन बाय वी इज इक्वल टू माइनस फाइव और वी विल be इक्वल टू माइनस वन बाय फाइव मीटर और यू कैन राइट माइनस जीरो पॉइंट टू मीटर माइनस जीरो पॉइंट टू मीटर और माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर्स है ना 20 सेंटीमीटर्स तो डायमीटर ऑफ दिस बॉल वॉज 10 सेंटीमीटर्स तो यहाँ पर I जो है I का डिस्टेंस फ्रॉम P ऑल डिस्टेंस इज आ मेजर फ्रॉम द पोल P से डिस्टेंस जो है वो होगा 20 सेंटीमीटर्स ऑब्जेक्ट से कितना पीछे होगा 10 सेंटीमीटर्स पोल से कितना पीछे होगा 20 सेंटीमीटर्स राइट right? पीछे आ रहा है इसलिए इसका आंसर आ रहा है माइनस जीरो मीटर समझ आया बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बोर्ड का क्वेश्चन एन बुक का क्वेश्चन है ये एन बुक का क्वेश्चन है कल नीट का एग्जाम हुआ है उसमें 85 फाइव परसेंट क्वेश्चन जो हैं नाइन्टी परसेंट वॉट द फीडबैक आई वॉट इज यू नो ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट एटी फाइव नाइन्टी हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन हैव कम फ्रॉम द एनसी आर टी बुक ओनली फिजिक्स में हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन जो हैं वो एन सी ई आर टी बुक के आए हैं बच्चे इतना तड़पते हैं इधर कर उधर कर इधर कर लेकिन एन सी नहीं करते हैं वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं लेकिन एंट्रेंस में पूरा एन आया तो जिसने बेचारे ने थोड़ा ही पढ़ा होगा मान लो जिसके पास कुछ भी गाइडेंस नहीं है जो कोटा भी नहीं है कोई ऐसे गांव में बेचारा पढ़ रहा है वो अगर एन के क्वेश्चंस ही कर ले उसकी सिलेक्शन तो हो गई उसने किया ही उतना है ना और पिछले तीन चार साल से यही हो रहा है Uh, सीधा एन सी आर टी के क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन पूरे के पूरे उठा रहे हैं वो सो so, बहुत ज़्यादा हमको भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं होती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एन सी आर टी क्वेश्चन कर लेंगे तो सक्सेस मिल जाती है तो इधर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने की एन सी आर टी क्वेश्चन कर लेंगे वो तो स्कूल के टीचर ही करा देते हैं राइट तो गांव वालों केमिस्ट्री भी आसान थी बॉटनी भी आसान थी जोलॉजी भी मस्त थी मतलब अच्छी क्वालिटी की थी वो और एट्टी फाइव परसेंट मार्क्स आ गए तो आपका 99 नाइन परसेंट टाइल होगा ठीक है ना और राइट right. एक क्वेश्चन और देखो ये क्वेश्चन जो है मैंने खुद बनाया हुआ है तो इसलिए मुझे बचपन में जो डॉक्टर के पास होता था ना वो पेपर वेट उसको मैं बहुत पसंद करता था ना खूब देखता था उसको मैं मुझे बहुत अमेजिंग लगता था वो कि शीशे के अंदर कैसे बबल्स बने हुए हैं फ्लावर्स हैं शीशे के अंदर इट आई वॉजर्ड यू नो ये कैसे बनाया होगा तो आज तो मुझे पता है कैसे बनाते हैं बट उस समय मुझे नहीं मालूम था कैसे बनाते हैं तो ये काफ़ी अमेजिंग होता था मेरे लिए मैं डॉक्टर के पास जाकर जो है उसके पेपर वेट को देखता रहता था मेरा बहुत मन करता था मेरे पास भी हो एक ऐसा पेपर वेट बट एनी तो एक पेपर वेट है स्फेरिकल पेपर वेट है उसके अंदर सो स्मॉल एयर बबल है ना उसके अंदर बबल्स बने होते हैं वो चमकते हैं वो बबल्स क्यों चमकते हैं वो बबल्स तब तो समझ नहीं आता था मेरे को ये समझ नहीं आता है इसको कौन चमकाता है लेकिन आज तो हमको समझ आता है लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एयर का बबल है तो टी आई आर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आसपास की पूरी कायनात रिफ्लेक्ट होती है उस बबल के अंदर इसलिए वो चमकता है सिल्वर शाइनिंग होता है इतना बबल तो ऐसा लगेगा चांदी है अंदर चांदी चांदी कुछ नहीं हवा डाल दी है पर चमकता है वो ऐसे मस्त होकर तो हियर द स्मॉल एयर बबल इन अ स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ डायमीटर फोर सेंटीमीटर्स इट्स इमेज appears टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ वन सेंटीमीटर इन साइड द स्फियर असली में ऑब्जेक्ट फोर सेंटीमीटर्स अंदर है उसकी इमेज जो है हमको लगती है मान लो एक ही सेंटीमीटर अंदर है फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ है ये नहीं मालूम हमको लेकिन इमेज का पता दिखा रहा है दिख रहा है हमको कि ये एक सेंटीमीटर अंदर है और हमको क्या मालूम है हमको मालूम है द रेडियस ऑफ कर्विचर ऑफ़ दिस बॉल इज़ टू सेंटीमीटर्स दट मीनस ये चार सेंटीमीटर मोटा डाया इसका चार सेंटीमीटर है और ये गिवन है हमको तो अब देखो क्या है कि लाइट ओ से चलती है ये डॉटेड लाइन बनाई मैंने दिस इज़ अ नॉर्मल लाइन लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट इज़ बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बड़ा है पोल पी से सब दूरियाँ नापी जाएंगी म्यू वन हमारा वन है म्यू टू मेरा थ्री बाई टू है रेडियस ऑफ करवेचर माइनस टू सेंटीमीटर्स इमेज डिस्टेंसिस माइनस वन सेंटीमीटर्स यू ढूंढना है तो मैंने सिखाया था आपको कैसे करते हैं डैश बाय वी माइनस डैश बाय यू इज इक्वल टू डैश बाय आर वी कहाँ पर है म्यू वन में है तो म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू म्यू वन पहले आइए ये, फिर ये म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर ये मेरा देखो ये आई मस्ट टेल यू दिस इज माई ओन पर्सनल स्टाइल ऑफ राइटिंग दिस इक्वेशन बुक में देखोगे ना बुक वाले पागल हैं थोड़े से कोई भी बुक खोलोगे वो क्या करते हैं ऐसा नहीं लिखते हैं इक्वेशन को वन बाई वी वो लिखते हैं माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस ऐसे कुछ एकदम अजीब से स्टाइल में लिखते हैं जिसको ना याद रख सकता है कोई बच्चा फंसाने के चक्कर में बच्चों को लाइफ को आसान नहीं बनाते हैं वो तो हमने आपको सिखा दिया वही है वन डैश बाई वी माइनस डैश बाई यू इज इक्वल टू डैश बाई आर जो पहले आएगा वो यहाँ पे भी पहले आएगा जो यहाँ बाद में आएगा वो यहाँ पे भी बाद में आएगा तो दिस इज इजी वे ऑफ रिमेंबरिंग दिस फार्मूला नाउ हियर वी हमको मालूम है माइनस वन सेंटीमीटर्स वेरी गुड म्यू वन को वन लिख दिया और माइनस म्यू टू मेरा थ्री बाय टू है यू पता नहीं बनना तो है तो अंदर ही है बट हम प्लस माइनस नहीं लेंगे अननोन का प्लस माइनस नहीं लेते हैं वन माइनस थ्री बाई टू अपॉन माइनस टू वेरी गुड

दिस इज़ हाउ यू यूज़ दिक लेंस फार्मूला राइट अब एंट्रेंस वाले लोग जो है ना वो थिक लेंस का क्वेश्चन पूछना ज़्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू थिन लेंस थिन लेंस तो टेंथ क्लास हो गई ना वन बाई वी माइनस वन बायूज टू वन बाई एफ इसके नोमेरिकल लॉलीपॉप नोमरिकल है बच्चों वो तो नाइन्थ टेंथ का बच्चा भी कर लेगा वो थोड़ा पूछेंगे वो उन्होंने क्यों पूछना है आपसे वो जो नई चीज़ सीखी है उसका टेस्ट दो पता चले आपको कि क्या सीखते तुम राइट हम्म राइट सो हो गया फोटो ले लिया समझ आ गया आगे बढ़े आवाज नहीं आई जय माता दी सारे बोलो हम्म छोड़ देता हूँ मैं ना तो दैट इज इट as far as you know the thick lenses are concerned uh, so we will uh, in the next class uh, let me introduce to you that hain so that we are little mentally prepared we are going to do a very important formula which is called as the lens maker's formula the कुलजा सिम सिम जो चश्मा बनाते हैं वो इस फॉर्मूला की मदद से पता करते हैं बिकॉज हम तो जाते हैं उनके पास कि मेरे को एक स्पेक्स बना दो जिसका नंबर होना चाहिए माइनस वन पॉइंट फाइव डायोप्ट बट माइनस वन पॉइंट फाइव वाला लेंस कौन सा है उसका बाहर वाला सरफेस का कर्वेचर कितना होता है अंदर वाला सरफेस का कर्वेचर कितना होता है यहाँ जो फैक्ट्री जो चश्मा के लेंस बनाती है उसको डिज़ाइन करने हैं लेंस कि डॉक्टर ने बोलना है माइनस वन पॉइंट फाइव उसको फैक्ट्री में बनाना है लेंस माइनस वन पॉइंट फाइव वाला तो वो फॉमूला जो यूज़ करते हैं ये सब कैलकुलेशन करने के लिए उस पर डिपेंड करेगा कि वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू टू क्या है डोंट वरी लुक एट दिस डायग्राम ये आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा मैं आपको ये वाली डेरिवेशन नहीं कराऊंगा इतनी वाली कॉम्प्लिकेटेड नहीं कराऊंगा ऑल दो ये भी आती है हमको करानी बट आई एम टू टीच यू सिंपल डेरिवेशन व्हिच एक्चुअली कैन बी परफॉर्म्ड इन एन एग्जाम राइट एंड दैट डेरीवेशन दैट आई एम गोइ टू डू विद यू इज इज़ दिस वन लेंस मेकर्स फॉर्मूला अब आप देख सकते हो ये डायग्राम की शक्ल जो है इज मच ईजियर टू ड्रॉ रिम्बर एंड एग्जीक्यूट राइट लेकिन असली जो है असली डरीवेशन असली क्या मतलब क्या होता है फिजिक्स uh, वालों के डेरीवेशन वो ये डाइग्राम होता है टाउस का फिर भी ये तो ऐसे थोड़ा सा uh, पहले आसान वाला करा दूँगा फिर आपको बताऊँगा कि इसको लॉन्ग मेथड से करना हो तो एक शॉर्ट मेथड है और एक लॉन्ग मेथड है एग्जाम में लेंस मेकर्स फार्मूला इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट इन द एग्जाम वी डोंट हैव टाइम टू डू बाय द लॉन्ग मेथड दैट इज़ द लॉन्ग मेथड इज़ फॉर दोज टू फील हैप्पी अबाउट फिजिक्स एंड वांट टू यू नो कंग्रेचुलेट दम कि मैं इतनी सारी फिजिक्स कर सकता हूँ लेकिन दिस इज द फॉर्मूला दैट यू वॉन्ट टू डिराइव एंड इसको डिराइव करने में हम तो थिक लेंस फार्मूला है ना उसको यूज़ करेंगे लेंस मेकर फार्मूला को डिराइव करने में थिक लेंस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली यूज़ करेंगे हमको आता है ये फार्मूला प्रीवियस डेरिवेशन में क्या है कि हम अज्यूम नहीं करते हैं वहाँ पर सिर्फ यही फ़र्क है यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया आपके साथ उसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे और जो प्रीवियस डेरिवेशन मैंने बताई उसमें हम यूज़ नहीं करते हैं उसमें हम जैसे हमने पहले थिक लेंस फार्मूला डिराइव किया था, था ना बीटा गामा लेके उसके अंदर सब कुछ वैसे ही लेके करते हैं तो ये भी डेरीवेशन ठीक हो जाती है नॉट की छोटी होती है ये भी डेरीवेशन एक काफ़ी सेव दिस फर्स्ट आई डोंट वॉन्ट टू